सकते हो भाई, सभी गाड़ियाँ निकलने शुरू हो गई हैं आस्ता आस्ता, पर अभी जाम बहुत ज्यादा रहेगा इतना हमें मालूम है। तो आ चुके हैं भाई टोल पे, जहाँ पे बहुत शीशे शीशे टूटे हुए, शीशे टूटने का एक ही मकसद है। सत श्री अकाल, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफटीसी व्लॉग। तो आज भाई हम लोग रात को आ चुके थे काजीकुंड में, कल की गाड़ी खाली करके। तो सुबह के रुके हुए थे जहां, अभी दिन के गुड आफ्टरनून नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी भी दिन के 3 बज चुके हैं। खाना वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, अभी गाड़ियों को जाने की परमिशन भी मिल चुकी है, गाड़ियाँ निकल रही हैं। फिलहाल अभी आगे जाम है, हम भी निकलेंगे थोड़ी देर में। तो चलें, इतनी देर में गाड़ी का प्रेशर वगैरह बना के रखते हैं, गाड़ी का पूरा मतलब अपनी गाड़ी को पूरा ओके करके रखते हैं, फिर उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि अभी तो जाम वगैरह है, फिर देखते हैं क्या होता है। तो भाई सभी गाड़ियाँ निकलने शुरू हो गई हैं आस्ता आस्ता, पर अभी जाम बहुत ज़्यादा रहेगा इतना हमें मालूम है। तो आ चुके हैं भाई टोल पे, जहाँ पे बहुत शीशे शीशे टूटे हुए, शीशे टूटने का एक ही मकसद है, एक ही कारण है, मकसद नहीं एक ही कारण है, वो कारण क्या है, जाम, धक्का मुक्की, ये चक्कर है और कुछ नहीं। और घुसने वाले हैं हम टनल के अंदर, रोक रोक के गाड़ियां छोड़ रही है भाई, रोक रोक के। पहुंचे हैं बनाल पार करके, जाम बहुत ज़्यादा लगा, रात के 10 बज चुके हैं और यहाँ पे गाड़ी हमने लगा ली है साइड पे। साइड पे गाड़ी हम लोगों ने इसलिए लगा ली है कि ताकि हम लोग अपना खाना पीना बना लेते हैं, खाना पीना बना के फिर उसके बाद थोड़ा सा जाम वगैरह जब हल्का होगा तो फिर हम निकलेंगे यहाँ। जाम में ऐसा रहता है कि थोड़ी दूर जाओ गाड़ी फिर स्टार्ट रहती है, खड़ी रखनी पड़ती है, बंद तो हम खुद करते नहीं हैं जब तक गाड़ी ऑटोमेटिक बंद नहीं होती। तो इसलिए हमने सोचा कि यही डिसाइड किया कि हम साइड पे लगाते हैं और फिर आके अपना आगे का सिस्टम देखते हैं कि खाना पीना बना के अगर सोना हुआ तो सो जाएंगे, नहीं तो सुबह सोच रहे हैं कि सुबह ही 4 बजे उठ के चलें तब जाम थोड़ा बहुत कम रहता है। तो चलो देखते हैं कब तक जाम कम होता है, फिर उसके बाद हम निकलेंगे। तो अभी फ़िलहाल चावल और अंडे बनाने लगे हैं, तो खाने लगे हैं तो सोने लगे हैं, ठीक है भाई। तो आज का यही डिसाइड है, बाकी बाहर का एक बार आपको दिखा देते हैं हम लोग। ये देखिए भाई बाहर का सिस्टम, गाड़ियों का जाम लगा हुआ, लाइन लगी हुई है, राशिद भाई बना रहे हैं भाई खाना का जुगाड़, कोई लगा रहे हैं। हम बैठते हैं, ये चावल बना रहा है फिलहाल, उसके बाद सब्जी बनाएंगे अंडे की, देखते हैं आगे क्या होता है। नगर रोड में बस ऐसा ही सिस्टम है, जब भी आते हैं जाम वगैरह, ठीक है बिहार लैंड, जाम वगैरह रहता है, बुरी हालत रहती है। यहाँ श्रीनगर रोड पे चलना हो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बंदे में सवर चाहिए, अगर इस रोड पे चलना हो तो हालत ख़राब हो जाती है, इस रोड पे चलना हो तो सेहत भी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है भाई, कुछ मतलब ऐसे ठंड सी हो लगी उधर गगनगिर में तो हालत कुछ ख़राब है। तो चले पहले पेट पूजा, फिर उसके बाद आप अपना आगे वाला काम देखेंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे कुछ ही समय के बाद। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग जम्मू, कल रात से लेके उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया था, तो अभी पहुंचे हैं जम्मू। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ऊपर से बुखार भी चढ़ गया, तो हमें लेने आया है भारत बेंच टेम्पर और लेने आया है अल्ताफ, जो मतलब हर टाइम आता रहता है। आज आया नहीं, वो मिल गया। हाँ मतलब अचानक मिल गया, वैसे इसी को ही आना था। तो ये भाई हमारा भारत बंज का टेम्पर और चला रहे अल्ताफ, देखिए भाई न्यू ड्राइवर रखा है हमने, क्या हाल है, ठीक हो, गाड़ी कैसी भाई साहब?
गाड़ी तो ठीक है, आप बताओ। हाँ जी, हम अभी बैठे हैं, अभी इतना देखते हैं कैसी है, कैसे है। बताया घट बता के देख, आप गर्मी में बर्फ देख के आए हो, हमने सुना है ऐसा। हाँ सच्ची बात है, सही बात है, इधर तो गर्मी बहुत है, दोबारा उधर ही जाएंगे। नहीं है बंदा ऐसा है, गन्ना काट रही थी पहुंच गया, भाई काम भी देखना है। नहीं सच्चा की नहीं? हाँ सच्चा, तो काम भी देखना ना, इतनी फौज है पीछे, क्या है थोड़ी सी बाटी थी इसलिए आप भागे ना। भाग नहीं गया ब्रावा, काम कर रहा था। तो चलो भाई मिलते हैं आपको सीधा घर पे, जाके फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर शाम को गाड़ी लोड करने जाना है। तो चले चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा घर पे जाके। क्या ना काम का फाफिया करते हैं। वेरी बिग यूट्यूबर सब्जी लेते हुए, सब्जी नहीं कुछ हो रही है, काम से बाकी थे, आते ही काम करना पड़ रहा है। कैसा लग रहा है, क्या लायो क्या लायो? तो फाइनली भाई हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे, तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल आपको एक न्यू फ्रेश व्लॉग के साथ। तो जहां तक का आपको इस व्लॉग का वीडियो में कोई भी पार्ट अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करके जाए, नहीं लगा हो तो अनसब्सक्राइब करो, वो उनकी मर्जी है भाई, आपके कहने से थोड़ी होगा। कहने में क्या है, कहने से सब्सक्राइब कर देते हैं, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हाँ ये भी बात सही है भाई, तो चलो मिलते हैं कल आपको न्यू फ्रेश व्लॉग के साथ, गुड बाय।